नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। 13 प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त कर 5 साल के बाद भी आवास के निर्माण का कार्य शुरू नहीं करने वालों को अब खैर नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे 31 लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर करने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा को की गई, जिसमें पकठौल पंचायत के 5, पिढौली पंचायत के 10, आधारपुर के 10 एवं निपनिया मधुरापुर के 6 लाभार्थी का नाम शामिल है, जो आवास योजना का लाभ प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। उन तमाम लाभुकों को बार बार नोटिस देकर आगाह भी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा एकरारनामा का उल्लंघन किया गया है। यह सरकारी राशि के गबन करने को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा को नीलाम पत्र दायर करने की अनुशंसा के उपरांत सूची समर्पित कर दी गई है, ताकि विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जो लाभुक सरकारी राशि प्राप्त कर आवास निर्माण पूर्ण नहीं किया है, वैसे लाभुकों को भी चिन्हित कर राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन प्रक्रिया के अलावे आवश्यकता पड़ने पर वारंट एवं कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं संभले तो उन्हें जेल भी जाना होगा। बीडीओ ने बताया कि पिछली सूची में उत्तर तेघरा के पिपरा दोदराज एवं चिल्हा पंचायत के अग्रिम राशि का उठाव कर गृह निर्माण नहीं करने वाले कार्य को लोगों की संख्या 20 है, जिन पर नीलाम पत्र पूर्व में ही दायर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 783 आवास अपूर्ण है, जिन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य के विरुद्ध 83.51 आवास पूर्ण हो चुके हैं। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, धन्यवाद। सर, कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है जो राशि निकाल के इंदावास ने बनाया? 15 दिन पूर्व में हम लोगों ने 20 लोगों पर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई की है, और आज 31 लोगों पर पुनः नीलाम पत्रवाद की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को की गई है। टोटल हम लोगों के 783 ऐसे लाभुक हैं जिनके द्वारा अभी भी आवास पूर्ण नहीं किया गया है, उनको सफ़ेद दी जा चुकी है। और उसके पश्चात जो है तो जो लोग हैं जिनके द्वारा अभी तक काम नहीं शुरू किया गया, तो ऐसे 51 कुल लोगों को चिन्हित करके हम लोग नीलाम पत्र की कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य भी लोगों को जो है तो मोटिवेट किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा अगले एक हफ्ते के अंदर आवास निर्माण की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उन लोगों को भी हम लोग अनुशंसा करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी और कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। किस वित्तीय वर्ष का ये सारे लाभुक? वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 और 19-20 के।